Welcome to online study classes which is represented by DPS Dhaka. Students, today I will take your class. Today this video is for class 1 science, and today's our topic is living thing and non-living thing. As you know that there are two type of things, natural things and man-made things. हम लोग जानते हैं दो प्रकार के वस्तुएं हमारे नेचर्स में होता है. एक ऐसे चीज जिसको हमें भगवान के द्वारा प्राप्त है, हमारे एनवायरमेंट में ऑलरेडी वो पहले से है, वैसे चीज को हम लोग नेचुरल थिंग्स कहते हैं. और गॉड गिफ्टेड थिंग्स इज कॉल्ड नेचुरल थिंग्स एंड अ मैन मेड थिंग्स इज कॉल्ड आर्टिफिशियल थिंग्स और मैन मेड थिंग्स. अब ये हम लोग जानते हैं. तो हमारे नेचर में जो है अलग अलग प्रकार के चीज होते हैं, उनको ब्रॉडली जो है टू पार्ट्स में कैटेगराइज किया है, दो पार्ट में बांटा गया है, एक को लिविंग थिंग में और दूसरा को नॉन लिविंग थिंग में. लिविंग थिंग क्या होते हैं? ऐसे चीज, ऐसे वस्तु, ऐसे थिंग्स जो हमारे नेचर में रहते हैं, जो क्या करते हैं, सांस लेते हैं, मूव करते हैं. लेकिन जैसे ही मैं बोलता हूं मूव करते हैं, तो आप पूछते हैं सर पेड़ मूव करता है क्या? फिर थोड़ा मेरे को सोचना पड़ा. हाँ, कुछ ऐसे भी चीज होते हैं हमारे एनवायरमेंट में जो मूव करता है, एकदम पेड़ भी मूव करता है. अब हमारे तरह एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता है. जैसे ही आप देखते हो यह पेड़ है, लेकिन हवा आता है तो ऐसे 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 मूव करता है. इट मींस दैट इट्स शोज इट्स मूवमेंट. इन द सेम वे आप जानते हैं जो लिविंग थिंग होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं. अब सर ये रिप्रोड्यूस क्या होता है? रिप्रोड्यूस मतलब यह एक प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा हम अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं. रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस थ्रू विच वी रिप्रोड्यूस आवर यंग वंस. तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, जल्दी से हम लोग रिकैप करते हैं. इसमें मेनली जो है हमें देखना है डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग. दो ही टॉपिक है, हम लोग जल्दी से देखते हैं, ठीक है. एग्जांपल्स, सबसे पहले हमारे नेचर्स में हमने आपको बताया कि दो प्रकार के चीज होते हैं, लिविंग थिंग होते हैं और नॉन लिविंग थिंग होते हैं. लिविंग थिंग के आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो, अगर मैं बोर्ड पे आपको बता देता हूं एग्जाम्पल्स ऑफ लिविंग थिंग्स. कुछ एग्जाम्पल्स लिविंग थिंग के हैं फिश, फ्लावर, प्लांट्स, बर्ड एटसेट्रा. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. आप कमेंट कर सकते हो वीडियो के लास्ट में, ठीक. और नॉन लिविंग थिंग के एग्जाम्पल्स होते हैं फोन, कार, बुक, टेबल. अब ये सब एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे एनवायरमेंट में, हमारे वातावरण में ये कुछ लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग चीजें हैं. अब लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में कैसे पता लगाएंगे जैसे कि यह लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है? तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक को अगर हम याद रखते हैं तो इससे हमें मालूम चल जाएगा जैसे कि यह लिविंग थिंग है और यह नॉन लिविंग थिंग है. जैसे कि लिविंग थिंग कैन ग्रो. लिविंग थिंग हमेशा क्या करता है? ग्रो करता है. ग्रो मींस क्या? बढ़ना. अब देखोगे आप जैसे ही एक पेड़ को लाओगे नर्सरी से और उसको प्लांट कर दिए, ठीक, तो ये धीरे 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 इसका साइज बढ़ रहा है. इट मींस इट शोज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग. यह जो है यह ग्रो हो रहा है, बढ़ रहा है धीरे धीरे. हम लोग भी जैसे कि हम लोग जैसे बच्चा जन्म लेता है तो हम लोग इतना छोटे होते हैं, फिर धीरे 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 आप मेरे साइज के हो जाइएगा. इट मींस हमारे अंदर ग्रोइंग प्रोसेस कंटिन्यूअसली होता रहा है. आप देखते होइएगा एक वीक दो वीक के बाद आपका नेल्स जो है बढ़ जाता है. इट मींस क्या? हमारे शरीर में ग्रोइंग हो रहा है. इन द सेम वे नॉन लिविंग थिंग कैन नॉट ग्रो. अब नॉन लिविंग थिंग जो होता है कभी भी बढ़ते है नहीं है, वो जैसे के तैसे रहते हैं, ठीक. लिविंग थिंग कैन मूव. अब लिविंग थिंग जो है मूव कर सकते हैं, ठीक. अब कहोगे
अब बाय द वे अब क्वेश्चन अराइजेज होता है, जैसे ही मैं आपको कहूंगा से कि लिविंग थिंग ग्रो नहीं, नॉन लिविंग थिंग ग्रो नहीं करते, मूव नहीं करते हैं, तो आप कहिएगा सर ये मार्कर है, ये यहां से यहां चला गया, तो ये तो मूवमेंट शो कर रहा है। इट मींस मेरा कहने का मतलब यह है से कि नॉन लिविंग थिंग को जब तक एक्सटर्नल फोर्स बाहरी से कोई बल हम लोग ना लगाएं, जब तक वह मूव नहीं करता है। अगर इसको पुश और पुल करेंगे तभी ना यह हमारे द्वारा मारकर मूव करेगा। अगर हमारे द्वारा फोर्स नहीं लगेगा तो मे बी यह जहां का रहेगा वहीं का रहेगा, लेकिन नॉन लिविंग थिंग जो होते हैं वह इट कैन चेंज देयर पोजिशन बाई इट्स ऑन, बट नॉन लिविंग थिंग कांट चेंज देयर प्लेस बाई इट्स ऑन। एंड आवर थर्ड पॉइंट इज लिविंग थिंग कैन ब्रीथ। लिविंग थिंग जो होते हैं ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ मीन्स सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ठीक। और नॉन लिविंग थिंग जो है कैंट ब्रीथ, नॉन लिविंग थिंग जो है ब्रीथ नहीं करते हैं, मतलब सांस नहीं लेते हैं ना ही सांस छोड़ते हैं। फोर्थ और लास्ट पॉइंट, लिविंग थिंग कैन रिप्रोड्यूस्ड। इट मींस दैट लिविंग थिंग जो है क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस्ड करते हैं, अपने यंग वंस को जन्म देते हैं, अपने जैसे बच्चे को पैदा करते हैं। एंड नॉन लिविंग थिंग कैनॉट रिप्रोड्यूस्ड, और नॉन लिविंग थिंग जो होते हैं रिप्रोड्यूस्ड नहीं करते हैं, मतलब अपने यंग वंस को बर्थ नहीं देते हैं। दो सो दिस चैप्टर दिस टॉपिक एंड्स हियर एंड लेट अस रिकैप क्विकली। आई हैव स्टार्टेड माय वीडियो देन आई हैव डिस्क्राइब दैट देयर इज टू टाइप ऑफ थिंग, नेचुरल थिंग मैनमेड थिंग। हमने आपको बताया दो प्रकार के चीज होते हैं, नेचुरल थिंग्स मैनमेड थिंग्स। अब मैनमेड थिंग्स वैसे चीज होते हैं जो आदमी के द्वारा बनाया जाता है, और नेचुरल थिंग्स ऐसे चीज होते हैं जो कि गॉड गिफ्टेड है, गॉड के द्वारा बनाया गया चीज। एज फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स एनिमल्स प्लांट्स फिश एटसेट्रा आर नेचुरल थिंग्स, इट इज मेड बाई गॉड गिफ्ट God. In the same way, I have taught you that what is the differences between living thing and non-living thing. हमने आपको बताया था कि क्या होता है differences, living thing बोल सकता है, living thing मूव कर सकता है, living thing breathe करता है, living thing जो है reproduce करता है, लेकिन यह सब जो है non-living thing नहीं करते हैं। इसी तरह यह topic आपका खत्म हो गया। Stay at home. Thank you.